अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद असद है। एक बार फिर आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो से हाजिर हूँ। आज जो हमारा फॉर सेल के हवाले से रिव्यू है वह मित्सुबिशी ईके वैगन 2012 मॉडल और 2016 की रजिस्टर्ड 660 सीसी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के हवाले से है। तो आपको इस गाड़ी के बारे में इंजन, सस्पेंशन, स्पेसिफिकेशन, टचअप्स, हर चीज़ के बारे में बताऊँगा। तो आइए चलते हैं अपने फॉर सेल के रिव्यू की जानेब। तो जी वो थोड़ा सा मैं आपको मित्सुबिशी के बारे में बता चलूँ कि मित्सुबिशी कंपनी ड्यूरेबल्स कार के हवाले से मशहूर है। अदर ब्रांड के अलावा मित्सुबिशी की वाइड नंबर कार्स हैं जो कि डिफरेंट यूज़र तो डिफरेंट चॉइसेस में हैं, बट यहाँ मित्सुबिशी छोटी खूबसूरत कार नेमली मित्सुबिशी ईके वैगन जो कि आपको नेक्स्ट चॉइसेस हो सकती हैं। ये मित्सुबिशी ईके वैगन आपको इंतहाई खूबसूरत और छोटी गाड़ी मिल सकती है। अगर हम इसके बॉडी टचअप्स की बात करें तो इसका जो फ्रंट हुड है वो अभी तक ओरिजिनल कंडीशन में मौजूद है। इसका जो रूफ़ है वो भी अभी तक ओरिजिनल कंडीशन में मिंट कंडीशन में मौजूद है। अगर आपको बताता चलूँ कि इस गाड़ी में क्रोम्ड डाउन द हेडलाइट शार्प और एट्रैक्टिव लुक कस्टमर को इन्हेंस करती है। इस गाड़ी में फॉग लैम्प इंस्टॉल करने का ऑप्शन मौजूद है। इसका मगर फ्रंट बम्पर फ्रेश लुक देने के लिए स्प्रे पेंट किया गया है। अगर हम इसके राइट साइड के बॉडी टचअप्स की बात करें, इसका जो राइट साइड का फेंडर है वो अभी तक ओरिजिनल कंडीशन में मौजूद है। इसमें राइट साइड पे फेंडर पे आपको पार्किंग इंडिकेटर मिलेगा। इसके बैक डोर की बात करें तो बैक डोर भी ओरिजिनल कंडीशन में मौजूद है। सेम बॉडी कलर में डोर हैंडल मिलेगा। इसका बैक साइड का दरवाज़ा माइनर टचअप्स है। इसमें आपको ओरिजिनल जापान असेंबल प्राइवेसी ग्लास मिलते हैं। इसमें आपको सनवाइजर स्टॉल मिलेंगे। गाड़ी राइट साइड से बहुत साफ सुथरी मिंट कंडीशन में अच्छी कंडीशन मौजूद है। फर्दर मैं आपको इसकी लेफ़्ट साइड के बारे में भी बता चलूँ। लेफ्ट साइड का इसका जो फ्रंट फेंडर है वो भी अभी तक ओरिजिनल कंडीशन में, उसका बैक साइड का डोर भी ओरिजिनल कंडीशन में, उसके बैक साइड वाला भी डोर इसका ओरिजिनल कंडीशन में, लेफ्ट साइड पे भी प्राइवेसी ग्लास ओरिजिनल जापान असेंबल्ड है। आफ्टर मार्केट में सनवाइजर स्टॉल हैं। डोर हैंडल सेम बॉडी कलर में मौजूद हैं। लेफ़्ट साइड भी इसकी साफ़ सुथरी स्क्रैचलेस कंडीशन में मिंट कंडीशन में बॉडी मौजूद है। फर्दर मैं आपको इसके रियर के टचअप की बात करूँ। इसका जो रियर ट्रंक एरिया है वो अभी तक ओरिजिनल कंडीशन में मौजूद है। सेंटर में आपको बैक वाइपर स्टॉल मिलेगा जो कि अपनी वर्किंग कंडीशन में मौजूद है। इस गाड़ी में आपको लेफ्ट और राइट साइड पर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और टेल गेट शेप में गार्निश जो कि अपने ओरिजिनल कंडीशन में मिलेंगी। सेंटर में मित्सुबिशी का आपको लोगो मिलेगा। राइट लेफ्ट साइड पर आपको ईके वैगन की बैजिंग मिलेगी। बम्पर में आपको स्टॉप लैंप्स मिलेंगे जो कि गाड़ी की विजिबिलिटी को नाइट में प्रोमिनेंट करती है। फर्दर हम अगर इसके इंटीरियर कंडीशन की बात करें तो इसका इंटीरियर इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। तमाम सीले इसकी ओरिजिनल कंडीशन में मौजूद हैं। इसके ड्राइविंग साइड पे आपको डोर अनलॉक करने का ऑप्शन मौजूद है। फोर पावर विंडोज़ आपको ऑपरेट करने का मिल जाता है। मिरर रिट्रैक्टेबल्स ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसकी सीट इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन की गई हैं। सीट रिक्लाइनिंग का ऑप्शन मिलता है आपको। इसकी फ्रंट सीट आपको हाइट एडजस्टेबल ऑप्शन के साथ मिलता है। इसके तमाम दरवाज़ों में स्टोरेज कंपार्टमेंट भी स्टॉल है। कि अगर हम इंटीरियर की कंडीशन, इंटीरियर डिज़ाइन की बात करें तो इसका इंटीरियर इंतहाई खूबसूरत है। इसका ब्लैक डैशबोर्ड है। इसमें 3-स्पोक पावर स्टेयरिंग मौजूद है। स्टेयरिंग के अंदर आपको एयरबैग्स मिलते हैं। स्टेयरिंग के नीचे आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है। लाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन मिलता है। इसकी इंतहाई सीट कंफर्टेबल है। लेफ्ट साइड पर आपको ग्लव बॉक्स मिलता है। सेंटर कंसोल में आपको एलसीडी इंस्टॉल मिलती है जो कि ओरिजिनल वर्किंग कंडीशन में। एसी की तमाम नॉब्स ओरिजिनल वर्किंग कंडीशन में। सेंटर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ओरिजिनल वर्किंग कंडीशन में है। नीचे आपको चार्जर ऑप्शन मिलता है और स्टोरेज कंपार्टमेंट भी मिलता है। इंटीरियर भी इसका साफ है। इस गाड़ी के अंदर रियर सीटिंग कैपेसिटी और कंडीशन की बात करें तो इसका रियर साइड का इंटीरियर इंतहाई साफ़ सुथरा खूबसूरत है। इसकी तमाम चीज़ें ओरिजिनल वर्किंग कंडीशन में हैं। इस तमाम पैसेंजर सीट अपने सीट बेल्ट ऑप्शन के साथ सेफ्टी फीचर के साथ मौजूद हैं। इसका लेग रूम और हेड रूम काफ़ी स्पेशियस है। दो बंदे आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। तीसरा बंदा सेंटर में इंतहाई मुश्किल से बैठ सकता है। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट का ऑप्शन मिलता है जो कि दोनों पैसेंजर राइट और लेफ्ट पैसेंजर वाले इसको आर्मरेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। फर्दर हम इसके ट्रंक एरिया की कंडीशन की बात करें तो ट्रंक एरिया से रिलेटेड तमाम सीलें जो इसके साथ अटैच हैं वो अभी तक ओरिजिनल कंडीशन में। नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी है। एक एक सील तमाम अपनी वर्किंग कंडीशन में। इसकी सीट्स एडजस्टेबल हैं। इसमें स्टोरेज कंपार्टमेंट छोटा है। इसमें आप अपने बड़े लगेज कैरी नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको टूल किट का ऑप्शन मिल जाता है। इसका फर्श अभी तक ओरिजिनल कंडीशन में है। स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको छोटा सा लेफ्ट साइड और राइट साइड पर मिलता है। स्पेयर की इसमें ओरिजिनल स्पेयर टूल किट, स्पेयर व्हील इसमें आपको ओरिजिनल कंडीशन में मिल जाता है।
कि अगर हम इंजन रूम की कंडीशन की बात करें तो इंजन रूम से रिलेटेड तमाम सीले अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है, किसी को डैमेज नहीं। इसका फ्रेम इंजन रूम का ओरिजिनल कंडीशन में मौजूद है। इस गाड़ी में ओरिजिनल 660 सीटी पेट्रोल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ओरिजिनल इंजन इंस्टॉल है। मित्सुबिशी ईके का इंजन छोटा है मगर ये इंजन आपको ग्रेट परफॉर्मेंस देता है। इसका 657 सीटी इंजन 3 इनलाइन सिलेंडर SOSC 12 वेल 50 हॉर्स पावर एट द रेट ऑफ 4000 RPM पे टॉर्क प्रोड्यूस करता है और इस ये इंजन आपको जो माइलेज देता है वो 15-17 किलोमीटर पर लीटर पे इसका फ्यूल एवरेज कंसिडर किया जाता है। इस गाड़ी के अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो इसका सस्पेंशन 100 out of 100 है। इसका सस्पेंशन अपग्रेडेड और ऑप्टिमाइज़ किया गया है जो कि स्टिफनेस को अचीव करता है। इसके इसकी इम्प्रूव हैंडलिंग स्टेबिलिटी को डिलीवर करता है। इसका क्विक स्टीयरिंग रिस्पॉन्स राइड को कंफर्टेबल और नॉइस और वाइब्रेशन को रिड्यूस करता है। इस गाड़ी की ड्राइव बहुत स्मूथ एंड कम्फर्टेबल है। इसमें आफ्टर मार्केट स्टील व्हील रिम और ब्रांड न्यू टायर चारों इंस्टॉल किए गए हैं जो कि एक खूबसूरत लुक देते हैं। तो जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा मित्सुबिशी ईके वैगन 660 सीसी ऑटोमेटिक जैपनीज ट्रांसमिशन के हवाले से फॉर सेल रिव्यू। इस गाड़ी की डिमांड 12,25,000 रुपये। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं या गाड़ी के बारे में कोई भी मालूम चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर 0334-303-1924 पर रब्ता कर सकते हैं। ये गाड़ी कराची गुलिस्तानी चौर में बराए फोक के लिए अवेलेबल है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल असद कारनामा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह ताला हमेशा की तरह आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।